बरेली जिले के 300 बेड हॉस्पिटल में जिम्मेदारों के कागजों से खेल खेला। अस्पताल में 5 जून के बाद कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ, लेकिन महकमे के घपलेबाजों ने बिना मरीजों के ही 500 बेलगम किट साफ कर दी। हैरानी की बात ये है कि बिना मरीजों के ही ये किट 5 जून से अब तक उनके रिकॉर्ड में मरीजों को बांट दी गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हर कोई परेशान था, लोग अपने मरीजों के उपचार के लिए जगह जगह घूम रहे थे। वहीं बरेली में बनाए गए 300 बेड के हॉस्पिटल में भी कोरोना संक्रमितों को भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा था। बरेली के इस कोविड हॉस्पिटल में तो आपदा में अवसर तलाशने वालों ने बिना मरीजों के ही 500 बेलगम किट पर हाथ साफ कर दिया। कोविड के पेशेंट को नियमानुसार एडमिट होते समय टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े धोने और नहाने के साबुन, डस्टर, हेयर ऑयल समेत कुछ आवश्यक चीजें दी जाती हैं, जबकि इलाज कराने के लिए पूरे कोरोना काल में सिर्फ 550 से 600 के बीच मरीज कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हुए। लेकिन अब जब हॉस्पिटल में कोविड का कोई मरीज ही नहीं था, तो 5 जून से अब तक 500 किट मरीजों को यहां वितरित कर दी गई हैं। फिलहाल आपदा में अवसर तलाश कर घपला करने वालों के नाम विभाग के पास है, लेकिन विभागीय जांच और उसके बाद कार्रवाई कर रहे और इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच की बात कही जा रही है, जबकि सीएमओ का कहना है कि ये बेहद ही शर्मनाक है, मामले में कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर जानना चाहेंगे ये वेलकम किट को लेकर क्या मामला है? देखिए, वेलकम किट को लेकर कोई ऐसी कोई खास मामला नहीं है। जो किट्स प्रोवाइड की गई थी वो मरीजों के लिए दी गई थी, लेकिन मरीज उस वक्त थे नहीं। इन्होंने थोड़ा सा लेट बांटा है उस किट को, लेकिन वो हमारे पास पूरी की पूरी मौजूद है। हमने गिनती करवा ली है और हमने वापस करवा ली। अच्छा, एक ये भी मालूम था, जैसे दूसरी लहर आई थी तो 500 से अधिक पेशेंट भर्ती हुए, तो उस टाइम पर कितनी किट बांटी गई थी और ऐसा क्या कारण था किट ना देने का? हाँ, ऐसा था, जो किट्स हैं हमारे पास ये 15 डेज पहले ही आई हैं, उस वक्त कोई किट उपलब्ध नहीं थी। उस वक्त जो भी सामान था वो मरीज अपने घर से ही ला रहा था, जैसे ब्रश है, पेस्ट है, ये सब अपने घर से ही व्यवस्था कर रहा था, ये चीज़ें बाद में आई। कब से यहाँ कोविड के पेशेंट भर्ती नहीं किए जा रहे हैं? ये 6 तारीख से पेशेंट हमारे पास कोई भर्ती नहीं हो रहा है, क्योंकि अब पेशेंट है ही नहीं क्रिटिकल जो एडमिट होने लायक है, अभी तो कोई पेशेंट नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो 300 बेड हॉस्पिटल में कितने कोविड के केसेस यहाँ आए, कितने लोगों का? हाँ, लगभग 550 से 600 पेशेंट हमारे यहाँ पूरे कोविड दूसरी लहर के दौरान भर्ती हुए, जिनका उपचार किया गया, जिसमें काफ़ी लगभग 119 लोगों की मौत हुई और बाकी लोग जो है वो ठीक होकर के घर जाए। अच्छा, ये भी आया है कि मतलब जब कोविड के कोई पेशेंट है उसके बाद में भी किट देंगे, वो किट का क्या मामला है? किट किस चीज़ का? वेलकम किट के लिए, जैसे कोई पेशेंट नहीं है, जैसे 15 दिन से बात करें उसके बाद। वही आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने 6 तारीख में जो किट वितरित की थी वो इन्होंने धोखे से कर दी थी, वो करनी इन्हें 15 दिन पहले चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बाद में वितरित करी है, तो वो ये थोड़ा सा इनका फॉल्ट मैं मानता हूँ और मैं इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा हूँ। आज मैंने जो है पूरा का पूरा इनको लिखित में दे भी दिया है और बाकी जो जितनी भी किट्स दी गई थी वो मैंने वापस कर दिया। नहीं, जो किटें जो दी हैं बाद में किन लोगों को दी गई थी किट? जब पेशेंट ही नहीं तो किट कहाँ नहीं दी गई, वापस करवा दी, स्टोर में जमा हो गई हमारे, किसी को नहीं दी गई है किट, सारी किट हमारे पास मौजूद है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।